गहलोत पायलट को भी मिली तवज्जो। कांग्रेस ने सादा जातिगण समीकरण। तीन मौजूदा विधायकों को दिया टिकट। कांग्रेस में आते ही राहुल कसवा को मिली सौगात। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आखिरकार राजस्थान को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस ने 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस की राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर नजर डाली जाए तो इस लिस्ट में सामान्य वर्ग का दबदबा रहा है। 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवार उतारे, जबकि SC वर्ग से 2 और 1 ST उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया है। इसके अलावा 3 लोकसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने इस लिस्ट में सचिन पायलट को पूरी तवज्जो दी है। कांग्रेस ने किए टिकट बंटवारे में प्रयोग। 2014 के प्रत्याशियों को नहीं मिला दोबारा मौका। गहलोत गुट के 4 और पायलट गुट के 3 नेताओं को मिला टिकट। वैभव गहलोत के सामने जालौर सिरोही में कोई संकट नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान की 10 सीटों में बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना यादव, टोंक से हर्ष चंद्र मीणा, जोधपुर से करण सिंह उचियारडा, जालौर से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा। आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अपना खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस ने इस बार टिकट बंटवारे में काफ़ी प्रयोग किए हैं। तो फिलहाल हमारी इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स।